तो हेलो स्टूडेंट्स, सो आप जो है हम नया टॉपिक लेकर आए हैं, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ठीक है, ये आपको बहुत सारे स्टेट बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा अलग अलग हेडिंग के अंदर। जैसे ये कभी कभार आपको मैन्युफैक्चरिंग में दिखेगा, और उसके सब टॉपिक में बात करूं तो कभी कभी ये आपको एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में देखने को मिलेगा ये टॉपिक। तो आज बात करना है हम पे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे। तो फर्स्ट हमें ये पता रखना होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मशीनिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, और इस नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये होती क्या है। ठीक है, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हमारा बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल मशीनिंग में। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग के बारे में एज यू ऑल नो कि जैसे एग्जाम्पल मैं लूँ, एग्जाम्पल से आप जल्दी समझोगे, मिलिंग हो गया, शेपिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग ऑन लेथ, ये सब क्या है हमारा कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। मींस थोड़े ओल्ड फैशन हो चुके हैं। ठीक है, बट आप जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री जितनी इवॉल्व हो रही है तो उस और हमारे टेक्नोलॉजी भी इतनी इन्हांस हो रही है, तो उस परस्पेक्टिव से देखूं तो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। ठीक है, और अगर इसके डिफरेंस की बात करूं तो ज़रूर दो अगर मेथड है हमारे पास, एक ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, तो सभी का एक सिमिलैरिटी या आप बोलो एडवांटेज और डिसएडवांटेज सभी भी मशीनिंग की होती है। तो अब इन दोनों डिफरेंस के बारे में बात करूं तो ऐसे समझ लो आप, ये ट्रेडिशनल हो गई ट्रेडिशनल, और अगर इधर मैं रख लूं नॉन ट्रेडिशनल, ओके, ये हुई हमारी ट्रेडिशनल मशीनिंग और ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करूं तो पहला क्या आता है हमारे ट्रेडिशनल मशीनिंग में कि इसमें जनरली ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम जनरली मैकेनिकल एनर्जी का यूज करते हैं। जनरली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के यूज करते हैं। आप एग्जांपल में लो कोई भी, ड्रिलिंग ले लो, मैकेनिकल एनर्जी है, मिलिंग ले लो, वहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, अगर मैं टर्निंग कर रहा हूँ वो भी मैकेनिकल एनर्जी है। तो बेसिकली अगर बात करूं तो इसमें ट्रेडिशनल में हमारा मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व रहता है मशीनिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये मशीनिंग प्रोसेस जो है एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग का सेकेंडरी यूनिट है। ठीक है, मशीनिंग प्रोसेस हमें ज़रूरत कब पड़ती है, ये हमारा सेकेंडरी प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में। ठीक, ओके, कम टू द पॉइंट, ट्रेडिशनल में हमारा मैकेनिकल एनर्जी का जनरली यूज होता है मैक्सिमम। ओके, तो अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में बात करते हैं। ठीक है, अब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हमारा कौन सा एनर्जी यूज होता है, तो इसमें बहुत टाइप के एनर्जी हम यूज कर सकते हैं। सपोज केमिकल एनर्जी, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इन सभी को, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आप समझ लो ये नेक्स्ट हो गया आपका थर्मल एनर्जी एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप के इसमें आप यूज कर सकते हो ये एनर्जी। ठीक है, और इसका डायरेक्ट यूज होता है, जैसे अभी अगर आप केमिकल की बात करोगे तो केमिकल में हमें पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, है ना। इलेक्ट्रिकल वाले में अगर बात करूं तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा EDM है, और भी बहुत सारा है, इसमें बात करेंगे आगे। ठीक है, वी विल डिस्कस इन द फर्दर लेक्चर। ओके, सेकेंड बात करूं, सेकेंड अगर पॉइंट की इसके, तो ट्रेडिशनल में हमारा क्या होता है, चिप फॉर्मेशन, वेयर एज इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग हमारा क्या प्रोड्यूस होता है, जब इसका मशीनिंग करते हैं हम लोग ट्रेडिशनल में, तो आप एग्जांपल, फिर से एग्जांपल बता रहा हूँ, आप देख लो, टर्निंग ले लो, मिलिंग ले लो, ठीक है, और ग्रूविंग ले लो, ड्रिलिंग ले लो, इन सभी में क्या देखने को मिलेगा आपको, चिप का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, वो भी बिल्ट अप एज, ठीक है, और शार्प एजेज होते हैं। वेयर एज इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, यहाँ पे आपको चिप का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है, यहाँ आपको जो मटेरियल रिमूवल है, यहाँ हम मटेरियल रिमूव कर रहे हैं चिप के फॉर्म में। बट इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग वी रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ, आप बोल सकते हो मेल्टिंग, मेल्टिंग, वेपोराइजेशन, ठीक है, इरोजन एंड बहुत सारा। एंड उसके बाद देखो आप डिफरेंस क्या देखने को मिला, इस ट्रेडिशनल मशीनिंग में ओनली चिप का फॉर्मेशन होता है, बट हमारे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में हम मेटल का रिमूवल उसे मेल्ट करके भी कर सकते हैं, वेपराइज करने से भी होता है, मींस कि मटेरियल वेपराइज हो जाती है, ये आगे देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट है इरोजन से हो जाता है मटेरियल रिमूवल, तो इसमें भी वेराइटी है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें बात करूँ तो ये जो है हमारा ट्रेडिशनल मशीनिंग, इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट आप डायमेंशन या प्रिसीजन लगा करना बहुत ही टफ है, इम्पॉसिबल नहीं बट बहुत टफ है। ठीक है, तो इसमें आप बात करो तो नॉट वेरी एक्यूरेट इन सेंस ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन के रिस्पेक्ट में अगर बात करूँ, ठीक है, और यहाँ अगर बात करूँ मैं नॉन ट्रेडिशनल में, तो वी कैन प्रोड्यूस अ प्रिसीजन एलिमेंट्स और प्रिसीजन प्रोडक्ट्स, ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ही एक्यूरेट एक्यूरेट प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो मैं रफली बता रहा हूँ इसमें होता क्या है, ठीक है, आप इसका नोट्स बना लेना कि इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो मैं बस समरी बता रहा हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस होता कैसे और ये हमें हमारी ये ज़रूरत कैसे बन गई अभी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। ऐसा नहीं है कि ये अब ये ऑब्सोलेट हो चुका है, नहीं, ये हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा, ट्रेडिशनल हमारे कहाँ यूज होगा, जैसे आज भी जो है हमारे टूल रूम में ये बहुत सारा यूज होता है, ठीक है, और ज़्यादातर केसेज में देखा गया है कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग जो है हमारा इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर बात करूँ तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल मशीनिंग है जनरली बल्क बल्क जहाँ पे आपका बोल सकते हो वर्क पीस होगा वहीं पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेयर एज ये जो है हमारा नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, ये बहुत ही स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, बहुत ही स्मॉल, जो बहुत जिसमें प्रिसीजन की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे अब वॉच है, घड़ी आप देखते होंगे, वहाँ के बहुत सारे पार्ट्स जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसमें बहुत सी प्रिसीजन का हमें ज़रूरत है, तो वहाँ आपको इन सभी नॉन ट्रेडिशनल का ज़रूरत पड़ेगा, मतलब सॉरी स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी और स्मॉल साइज लिख लो और बढ़िया, स्मॉल साइज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा। नेक्स्ट और बात करूं ट्रेडिशनल मशीन में क्या है, एक लिमिटेशन ये भी है कि हम बहुत ही हार्ड मटेरियल का लाइक टाइटेनियम ले लो आप, ठीक है, कार्बाइड ले लो, उसका इस ट्रेडिशनल मशीनिंग से ट्रेडिशनल मेथड से मशीनिंग करना बहुत ही टफ है, मुश्किल है। ठीक है, बट इन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग वी कैन ईजिली मशीन अ हार्ड मटेरियल्स लाइक सिरेमिक, कार्बाइड ले लो आप, टंगस्टन ले लो, ठीक है, तो ये हमारा मेनली डिफरेंस हो गया ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल का डिफरेंस और वाई वी नीड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग दीज डेज। ठीक है, ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ओवरव्यू हो गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग। अब आर टॉपिक वाज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग, तो अब हम बात करेंगे नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे। ठीक है, ओके,
चलिए इस पे बात करते हैं। ओके सो नाउ वी विल क्लासिफाई नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ओके तो पहला हमारा आता है मैकेनिकल प्रोसेसेस जो हमारा इन्वॉल्व है नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, थर्ड इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस एंड द फोर्थ इज केमिकल प्रोसेस। तो इन सभी कैटेगरी में कौन कौन सा हम प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये आगे इसमें देखते हैं। तो मैकेनिकल हमारे प्रोसेस में कौन कौन है, तो फर्स्ट है हमारा ए एब्रेसिव जेट मशीनिंग, AZM एब्रेसिव जेट मशीनिंग, ये वी विल डिस्कस इन द लेटर लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट USM अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक, नेक्स्ट WJM मींस वाटर जेट मशीनिंग। तो जनरली अगर बात करूं तो ये तीन मैकेनिकल प्रोसेस के सब हेडिंग में इंक्लूड है। ठीक, नेक्स्ट अगर यहाँ केमिकल की बात, इलेक्ट्रोकेमिकल की बात करूं तो इसमें हमारा है ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रो थर्मल, मीन्स इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज थर्मल एनर्जी मीन्स हीट बोथ विल इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ मशीनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो थर्मल मशीनिंग। तो अगर फर्स्ट में इसकी बात करूं जो हमें पढ़ना है EDM, कोई इन्हें इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग बोलते हैं, कोई इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग बोलते हैं, आप जो भी यूज करते हो कर सकते हो। नेक्स्ट EDM नेक्स्ट हो गया आपका LJM लेजर जेट मशीनिंग और लेजर बीम मशीनिंग जो बोलना है आपको। ठीक है, LZM लेजर जेट मशीनिंग। नेक्स्ट EBM इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ठीक, बेसिकली हमें यही पढ़ना है। एक और इसमें होता है, आप लिखना चाहो तो लिख लो, प्लाज्मा बीम मशीनिंग। ठीक है, PBM प्लाज्मा बीम मशीनिंग, बट वी विल कंसर्न्ड विद दीज थ्री ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रोसेस। तो इसमें एक हमें पढ़ना है केमिकल मशीनिंग। ठीक है, इसमें इचेंट वगैरह ये सब बहुत आपको मिलेगा, तो वो भी बात करेंगे हम केमिकल प्रोसेस में, और उसमें इन्वॉल्व है हमारा सिर्फ केमिकल मशीनिंग। आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिसिटी भी इन्वॉल्व है और केमिकल भी इन्वॉल्व है, बट यहाँ केमिकल प्रोसेस में सिर्फ केमिकली इन्वॉल्व है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक, पहले इसे हम करेंगे इलेक्ट्रो थर्मल प्रोसेस, उसमें हम पहले बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। ओके, थैंक यू। सो अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, अगर आज समझ में आया है आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल ME Concept। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।